नमस्कार, आप न्यूज क्लिक का ये एक स्पेशल वीडियो देख रहे हैं, स्पेशल वीडियो प्रसारण। ये जो अभी एक पैंडोरा पेपर्स बोल के नया चीज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, ये न्यूज क्लिक का अपना कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे साथ न्यूज क्लिक से ही जुड़े हुए और मैं बचपन से इनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर जानता हूँ, परंजय गुहा ठाकुर साहब। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है, बहुत कुछ उन्होंने निकाला है, छापा है, बहुत सालों से किया है। ये जो पेंडोरा पेपर अब सामने आया है, इससे पहले हमने पनामा पेपर सुना था जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आया था कि देश के बाहर जहां पर टैक्स कम देना पड़ता है, ऐसे जगहों पर इन्होंने अकाउंट खोल रखा है और अपना पैसा वहां पर रखा हुआ है। सबसे पहला सवाल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए, बहुत सारे दिग्गज हैं इसमें। सबसे पहला सवाल है कि इसमें क्या ये गैर कानूनी है? परंजय, क्या ये गैर कानूनी देश के बाहर ऑफशोर अकाउंट रखना, क्या ये गैर कानूनी? देखिए, जितने सारे लोग जिसके नाम आ गया ये नया, पहले 2016 में पैनामा पेपर्स आए थे, उसके बाद पैराडाइज पेपर्स आए हैं, और इतवार का मध्य रात में ये पेंडोरा पेपर्स आए हैं। ये कह रहे कि ये सबसे सबसे बड़ा है और ये टेराबाइट्स में है। अगर आपका फोन में अगर आप 25,000 तस्वीर लेंगे तो जितना डेटा लेंगे इतना टेराबाइट्स है इसमें। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है और ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, ये 80 से ज्यादा देशों में इनके प्रतिनिधि है, या जैसे भारतवर्ष में इंडियन एक्सप्रेस इनके साथ एक संपर्क है। इन्होंने ये जांच किया और आपका सवाल का जवाब बहुत आसान है। हर व्यक्ति, हर संस्था जिसके साथ इन्होंने संपर्क किया, वो कह रहे हैं हम तो गैर कानूनी काम कुछ नहीं किया। हमारे जो आयकर विभाग है, हमारे जितने सरकारी ऑफिसर, जितने लोग जवाब दिया, मगर कहानी और भी जटिल है। क्योंकि 2016 में जब ये पैनामा पेपर्स आए थे, उसके कुछ महीनों बाद मेरा एक किताब आया था, थिन डिवाइडिंग लाइन, और सबटाइटल है इंडिया, मॉरिशस एंड ग्लोबल इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। मेरा कहना है कि एक गैर कानूनी जो टैक्स मत दे, या जानबूझ के आप मत दीजिए, जो अंग्रेजी में कहेंगे टैक्स इवेजन, और आप घूम फिर के आपका जो अकाउंटेंट है वो आपको रास्ता दिखा देते हैं कैसे टैक्स न देने का रास्ता। वो आप कहते हैं इसमें तो गैर कानूनी काम नहीं है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, तो ये दोनों के बीच एक बहुत ही एक बारीकी एक रेखा है। और विश्व में 200 देश है, मगर लगभग 80 से ज्यादा टैक्स हेवन है। ऐसा देश है जैसे अमेरिका, उसका एक एक राज्य टैक्स हेवन कह सकते हैं। यूरोप में छोटे 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 जो कहते हैं माइक्रो स्टेट्स, जैसे सैन मरीनो, लक्समबर्ग, मोनाको, और बहुत सारे ऐसे टैक्स हेवन्स है जो द्वीप में है, जैसे मॉरिशस, सीशेल्स, साइप्रस, जर्जी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, पैनामा, और बहुत सारे ऐसे नाम है। तो इस भारतवर्ष के लोगों का नाम हम बताएंगे थोड़ी देर में, आप सोचिए कितने लोग के नाम आ गया, और कभी कभी वो खुद अपना नाम, या कभी कभी उनके साथ जो लोग है संपर्क है, जिनके साथ जो एसोसिएट्स करेंगे, जो इन पेपर्स कहते हैं PEP, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस। इनमें जॉर्डन का राजा है अब्दुल्ला, राष्ट्रपति है यूक्रेन, कीनिया, इक्वाडोर का प्रधानमंत्री है चेक रिपब्लिक का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का टोनी ब्लेयर, रूस का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान का भी इसके नजदीक कुछ लोगों का नाम आ गया। और पनामा पेपर्स में शायद इससे पहले नवाज शरीफ का भी नाम आया था। जी हाँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, भूले मत, जांच चला, उसको इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने उस समय।
और भारतवर्ष में भी ऐसे पीईपी यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर एक्सपोज पर्सन एक व्यक्ति का नाम है, वो गुजर गए हैं, कैप्टन सतीश शर्मा शर्मा जो कि गांधी परिवार के बहुत वरिष्ठ क्लोज माने जाते हैं, राइट, और राजीव गांधी की सरकार में भी मंत्री भी थे, वो मंत्री रहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो प्राकृतिक गैस का मंत्री भी थे, वो काफी उनका पहुंच था उस समय, वो कुछ इसी साल में वो गुजर गए हैं, मगर उनके बीबी के नाम में, उनका परिवार के नाम में ऐसे ट्रस्ट है बहुत सारे। तो बाकी जो लोग हैं, जो जिसका नाम अभी आ गया इसमें, हमारे अनिल अंबानी जी का नाम आ गया, हमारे सचिन तेंदुलकर जी का नाम भी आ गया। सचिन तेंदुलकर का मैं देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि पनामा पेपर आने के, वो एक्सपोज होने के बाद ये जो अकाउंट्स हैं उन्होंने बंद कर दिए थे। बिल्कुल। तो अनिल अंबानी का आपने नाम दिया है, अनिल अंबानी के का जो स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि अनिल अंबानी डिडंट टेल हिज 1.3 बिलियन वेब ऑफ ऑफशोर फर्म्स, मतलब जो देश के बाहर उनकी कंपनियां हैं, जब उन्होंने कोर्ट को कहा था कि उनके पास कोई भी पैसे नहीं है इसलिए वो पैसे वापस नहीं कर सकते, उनके पास वो बैंकरप्ट है पूरी तरह से, तब कोर्ट ने कहा था कि उनके ऑफशोर मतलब देश के बाहर क्या क्या कंपनियां हैं उसका हमें कोई ब्यौरा नहीं मिला है। तो उसका कुछ डिटेल ये पेंडोरा पेपर के उसमें छापा है इंडियन एक्सप्रेस में, आप इंडियन एक्सप्रेस में जाकर देख सकते हैं, आप देख लीजिए, आज का अखबार देखिए, मैं पुराने जमाने का लोग हो, अभी भी कागज पर कागज में छपा हुआ पढ़ता हूँ, सब कुछ ऑनलाइन भी मिल जाएगा लोगों को। हाँ बिल्कुल, तो आप देखिए कुछ अनिल अंबानी की कंपनियों के नाम कहे गए बताए गए थे। सबसे मजेदार चीज ये है कि मैं दर्शकों के लिए तरफ से बोल रहा पूछना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे जो कंपनियां हैं या ऐसे जो देश है, छोटे मोटे देश, आइलैंड है, चाहे वो मॉरिशस हो, सेशल्स हो, पनामा हो, ये सारे जो आइलैंड है वो क्यों अलाउ करते हैं फ्री टैक्स फ्री कंपनियां हमारे यहाँ पे खोल लीजिए, क्या फायदा होता है? देखिए ये जैसे छोटे छोटे द्वीप है जो पैसिफिक महासागर में, भारतीय महासागर में, अटलांटिक में, इन लोग का दो ही कारोबार होते हैं वहां लोगों का, एक है पर्यटन यानी कि टूरिज्म, और ये है काम जो बड़े बड़े वहां का वकील, तो एक बैंक खुल जाता है वहां पे, कोई वकील को काम मिल जाता है, खुल जाते हैं कंपनी, खुल जाता है एक ऑफिस खुल जाता है, और वहां का कंपनी, वहां का कंपनी जितना भी मुनाफा कमाए, जितना भी उनका इनकम है, प्रॉफिट है, उसको टैक्स देना नहीं पड़ता, और अगर देना भी पड़ता बहुत मामूली देना पड़ता, वो कंपनी स्थापन करने के लिए कुछ पैसे देना पड़ता। आजकल सिंगापुर और मॉरिशस एक ही है, मगर साइप्रस और कुछ है, सेशल्स और कुछ है। आप जैसे सचिन तेंदुलकर जी का नाम आपने कहा, उनके बीबी अंजलि जी, उनका ससुर जी आनंद मेहता जी, वो पैनामा पेपर्स में उनका नाम आ गया था, मगर उस समय BVI यानी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में उनके बहुत सारे कंपनी थे। ये सारे जब पैनामा पेपर्स का सारे ये पर्दाफाश कर दिया उन्होंने, वो बंद करके, और हम देख रहे ये, लेकिन मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है आपसे और वो ये है कि जैसे अगर मुझे, मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाऊं तो वो बोलेंगे कि आपने यहाँ पे जो छुट्टी पर आप गए थे, ट्रिप पर गए थे, आप इसका LTA क्लेम कर लीजिए, या आप ये कीजिए सरकार, आप इधर इतने पैसे जमा कर दीजिए, अभी 31 मार्च तक जमा कर दीजिए तो आपको टैक्स का लाभ मिल जाएगा। जितना भी टैक्स का लाभ सरकार अलाउ करती है वो कोई भी आदमी ले सकता है कि नहीं? एक मिनट, इसमें दो बात है, इतना आसान नहीं है। जैसे पैनामा पेपर्स के पर्दाफाश सारे डॉक्यूमेंट्स आने के बाद हमारे देश का आयकर विभाग अलग अलग लोगों से मांग किया, कारण दिखाओ नोटिस दिया कि 20,000 करोड़ आपने टैक्स नहीं दिया, तो आयकर विभाग के पास आप जो सूचना दे रहे हैं वो सच है कि नहीं, यही असली सवाल है। देखिए जैसे तो दो तो आपको उदाहरण जो नाम आपने किया, एक तो ये देखिए सचिन तेंदुलकर, दूसरे है अनिल अंबानी का नाम आपने किया, और देखिए इन लोग नया नया टैक्स हेवन में चले जाते, ठीक है, पैनामा में बंद हो गया क्योंकि वो कंपनी भी था वहां पे मोसाक फोंसेका, वो कंपनी बंद ही हो गया, बंद कर दिया पैनामा में, मगर और नया नया जगह है, सामोआ,
बेलाइज, कुक आइलैंड्स, जर्जी, बहुत सारे, जैसे मैंने कहा 80 से ज्यादा ऐसे ऐसे ज्यूरिस्डिक्शंस है जहां हम टैक्स हेवन्स करते हैं। जो जो वकील लोग कह के लो टैक्स और नो टैक्स ज्यूरिस्डिक्शंस, यानी कि आपको बहुत मामूली कुछ कर देना पड़ता है या बिना करके। तो देखिए अनिल अंबानी जी ने क्या किया, वो साइप्रस, जर्जी ऐसी जगह में उनका कंपनीज है। 2020 का फरवरी महीना में एक तीन चीन बैंकों के साथ उनका एक जबरदस्त एक कानूनी एक संघर्ष हुई थी, और वहां ब्रिटेन का जो जज साहब है उनके बोला कि तुम पैसे दो, और कितना बोला, 7.16 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 760 मिलियन, सॉरी 71.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर। अब अनिल अंबानी जी, उनका वकील कोर्ट के सामने, सबके सामने कहा कि हमारे पास, हमारा जेब खाली है, आई एम बैंक करप्ट, हमारा बेटे से हमने उधार लिया, हमारा बीवी से उधार दिया। अब ये सवाल उठते हैं, स्टेट बैंक, बहुत सारे मामला चल रहे हैं, मगर बात अभी उठता है कि ये जो नया जो एक्सपोजे आए हैं, ये पेंडोरा पेपर्स, ये जैसे आपने कहा आपके पास 1.3 अरब डॉलर अलग अलग बहुत सारे विदेशी कंपनी में, तो देखिए ये जांच करना है। अनिल अंबानी जी खुद कह रहे हैं हम तो गैर कानूनी काम कुछ नहीं किया, मगर आयकर विभाग क्या करेगा नहीं करेगा और भी बात है। और देखिए दो चार लोगों का नाम और बता देते हैं हम, इकबाल मिर्ची जो लोग कहते हैं दाऊद इब्राहिम का दाएं हाथ का आदमी है, उनका संपर्क है पाकिस्तानी के जाने माने जो जनरल्स के साथ, ये भी आ गया। जैकी श्रॉफ जी का नाम आ गया, न्यूजीलैंड में उनका कंपनी है, स्विट्जरलैंड में उनका कंपनी है। समीर थापर जो पंजाब का JCT कंपनी के है, टेक्सटाइल कंपनी के है, और अजीत केरकर का बेटा पीटर केरकर, कॉक्स एंड किंग्स, जो अभी गिरफ्तार किया गया, ईडी उनको जेल किया, हमें जितना याद है अभी भी वो जेल में है उनका कंपनी। और पूर्वी मोदी जो नीरव मोदी का बहन है, नीरव मोदी विदेश चले जाने का उसी समय उसी के आसपास उन्होंने एक नया कंपनी बना दिया, एक ट्रस्ट बना दिया। और किरण मजूमदार शॉ, वो जाने माने एक पूंजीपति है, उद्योगपति है, उनका कंपनी का नाम है बायोकॉन। खुद किरण जी, उनका उनका जो हस्बैंड जो है, जो स्वामी जो है, क्या आरोप है उनके साथ, एक उनका ट्रस्ट के एक एडवाइजर है, जो ट्रस्ट बनाया था उसका एक सलाहकार है, उनका नाम है कुणाल कश्यप। और ये कुणाल कश्यप उनके अलग अलग कंपनी के साथ उनका कुछ संपर्क भी है, एसोसिएट है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे जो शेयर बाजार का नियंत्रण करते हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको बोला, उनके ऊपर उनको बंद कर दिया, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। वो इसकी अपील किया, उसके SAT सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये केस चल रहा है। ये बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है, केस चल रहा है, तो अभी समय बताएंगे। और सुनो अनिंदो, कहानी तो खत्म नहीं हुआ, आने वाले दिनों में बहुत उन्होंने अभी पता चला, बिल्कुल वो एक ट्रेलर दिखा दिया, बोला कुछ और भी आएंगे कुछ बड़ा एक वकील का नाम आएगा, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ जाने माने लोग आएंगे, कुछ मिलिट्री जनरल, ऐसे उन्होंने झलक दिया कि ट्रेलर, ये सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले कुछ दिनों में और भी कुछ लोगों का नाम आ जाएगा। लेकिन मेरा फिर से आपसे सवाल है, ये जो किरण मजूमदार शॉ वाली बात आप कह रहे हैं, बायोकॉन कंपनी के अच्छा करता है, अगर मैं शेयर होल्डर हूं बायोकॉन का, मैं चाहता हूं कि आप जितना कम हो सके टैक्स दे, है ना। अगर ये पैसा बायोकॉन में वापस आ रहा है किसी तरीके से, तो फिर अगर सरकार टैक्स काटने, टैक्स बचाने के ये तरकीब अलाउ कर रही है किसी कंपनी को, तो फिर उसमें तो कंपनी की गलती नहीं है ना, ये तो सरकारी पॉलिसी की गलती है। ठीक है, आपने वही, मैं बार बार घूम फिर के वही बात करूं, ये जो
टैक्स अवॉइडेंस कि आप जानबूझ के सरकार आपका अकाउंटेंट आपका रास्ता दिखा दिया किस तरह से टैक्स न देने का रास्ता दिखा दिया, तो वो कानूनी रास्ता है और गैर कानूनी है कि आप जानबूझ के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर फेमा जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ये जो कानून है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको इन्फोर्स करते हैं, इसको देखा जाएगा, उनका काम है निकालना। मगर जो सवाल तुम बार बार कर रहे हो, देखो तुम एक शेयर होल्डर हो, ठीक है, कंपनी जितना मुनाफा बनाएगा आपका डिविडेंड उतना ही होगा, आप खुशी है। मगर साथ साथ अगर कंपनी, कोई भी कंपनी, ये सिर्फ बायोकॉन का बात नहीं है, कुछ भी कंपनी अगर टैक्स नहीं दे रहे, कोई गैर कानूनी काम कर रहे और वो पकड़ जाते हैं, तो फिर आपका शेयर प्राइस नीचे जाता है, फिर आपको मुश्किल। तो ये एक तरीके से जिसको कंपनी भी तो मेरा कहना कि जनहित कुछ है, शेयर होल्डर का हित कुछ है, कंपनी का प्रमोटर का हित है, और कभी कभी एक साथ इसका तालमेल नहीं होता। बिल्कुल, जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है, ये बिजनेस के उसमें कि क्या आपके कंपनी में जो रूल्स हैं, जिस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या ये बिल्कुल सही उचित तरीके से चलाया जा रहा है या नहीं। लेकिन हमने स्टॉक मार्केट में हर वक्त देखा है कि जब भी कोई टैक्स कम देता है उसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है, नीचे चलता क्योंकि अरिंदो इसका कारण आपने खुद लोगों को बताया, भारतवर्ष में कितने लोग के पास शेयर बाजार में आपका जो जमा पूंजी है, और जो बेचारे जो मध्यवर्ग के लोग हैं, जो लोग अपना बैंक का खाता में कुछ दिया, वो कितना व्याज मिलता है, उसके ज्यादा महंगाई का मार आता है। तो मतलब आप पैसे दीजिए बैंक में, आपका नुकसान हो रहा है, तो आप शेयर बाजार में जाइए। मगर शेयर बाजार का क्या है, लालच और भय दोनों एक साथ मिल जाता है, तो लालच और भय मिलके आप कहाँ पहुंचेंगे, आपको कारी बहुत लोग डूब भी गया है, कुछ लोग कुछ बहुत ज्यादा पैसा भी करवा लिया। मगर मुद्दा और कुछ है, किस तरह से हमारे देश के अमीर व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसे जिस लोगों के पास है, जिसके पास संपत्ति सबसे ज्यादा है, वो देश में टैक्स नहीं देते, और किस तरह से कानूनी छूट जो कहते हैं लूप होल्स, और किस तरह से आस्था से आप नहीं टैक्स देंगे। और आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में वैसे भी हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच जो फासला बढ़ता रहा है, जो असंतुलन थे और भी बढ़ गया, और भी बढ़ बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ गया, मगर शेयर मार्केट तो बढ़ रहे हैं, और हमारे बड़े बड़े जो पूंजीपति है उनका संपत्ति नोशनल वेल्थ वो भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे सरकार कहती है कि हर एक को टैक्स देना पड़ेगा, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाए जा रही है, या टैक्स का जो सरकार को मिलती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंटर हो, सबको मिलता रहता है। GST पर टारगेट लगाया जाता है कि आप 15 तारीख तक नहीं देंगे तो मुश्किल है आपके लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई भी लूप होल बचा नहीं है टैक्स कम करने का। लेकिन ऐसे सारे जो ट्रीटीज हैं उसके चलते, चाहे वो मॉरिशस हो चाहे वो हो, कोई भी एक अमीर आदमी आराम से टैक्स बचा सकता है हमारे देश में। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि ये जो मोदी जी ने कहा था एक टाइम पे कि सारा बाहर का पैसा काला पैसा हो वो मैं वापस ले आऊंगा, ठीक है ये काला पैसा हो सकता है, ये काला पैसा नहीं है, लेकिन तो हर गरीब परिवार 15 लाख रुपए मिल जाएगा खाते में, 15 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएंगे। चलिए वो चाहे वो सीधा, चाहे वो एक रेटोरिक जिसको हम कहते हैं वो, लेकिन आपने तो कोई भी कानून नहीं बदला जिससे अमीर आदमी कानूनन पैसा बाहर ले जा सकता। मतलब ये अगर सब बोल रहे हैं कि हमने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है, और मैं मान रहा हूं कि चलिए कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कानून ऐसा है कि आप सारा पैसा आप बाहर ले जा सकते हैं। और देखिए अरिंदो, और भी लोगों का नाम आने वाले है, हमने नहीं बताया, अभी समय का वक्त का कम है, नीरा राडिया, आप जानते हैं नीरा राडिया जो लॉबीस्ट थे सबसे अमीर व्यक्ति का, रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी के मदद करने का कोशिश किया, एक तो बहुत लोगों का नाम आ गया जब उसका फोन टैप किया गया, और भी आएंगे देखिए आने वाले कुछ दिनों में। और
2G स्पेक्ट्रम स्कैम में एक भाई साहब, उनका नाम हम तो आराम से अनुमान कर सकते हैं, मगर नाम आने दीजिए, वो भी एक बड़ा बिल्डर है, मगर उसको भी जेल जाना पड़ा। तो कुछ लोग को तो जेल जाना पड़ रहा है, बिल्कुल जो लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, जो कानून का जो लंबा हाथ कभी कभी काम करते हैं, मगर बहुत सारे लोग उनके लिए तो कुछ भी नहीं होता। और आखिर में एक चीज मैं कहूंगा, जिसके जो मतलब दर्शकों को सतर्क करने के लिए भी, कि देखिए जर्नलिज्म में एक चीज होता है, एक है कि कभी कभी ये जो चाहे पनामा पेपर हो चाहे हो, ये सब लीक के थ्रू ही आते हैं। पर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आप जानते हैं एक जर्नलिस्ट का काम है, पत्रकार का काम है उसको ठीक से टटोल कर आप तक सही चीज लाना। ये इंडियन एक्सप्रेस का इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे जर्नलिस्ट का इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हमारा रोल नहीं है, न्यूज क्लिक का नहीं है। लेकिन जैसे कि राडिया वाला जो केस था, उसमें भी बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया, ये भी आपको याद होगा परंजय। हमने कभी नहीं मेरा नाम नहीं सुना, आया भैया, तुम्हारा नाम भी नहीं था। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हम जानते हैं, मीरा राडिया के साथ रेगुलर बात करते होंगे, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, उनके टेप्स कैसे सामने नहीं आए। तो ये भी याद रखिएगा कि कभी कभी जो नाम आते हैं उसके पीछे भी एक थोड़ा बहुत एजेंडा भी रहता है। ये भी थोड़ा सा एक चीज दर्शकों को सतर्क करना मुझे लगता है हमारे लिए भी जरूरी है। और जो बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ इस शो में, इस पर चर्चा जारी रहेगा। जैसे कि परंजय ने आपको बताया, ये तो एक झांकी थे, अभी बहुत कुछ बाकी है।